खुशखबरी खुशखबरी, विष्णु राज को इस बार बेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जेल से बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं, उसी अंदाज में आ रहे हैं और फिर से विष्णु नाम के नाम से नारे गूंज रहे हैं और बैंड पार्टी के साथ आ रहे हैं और फिर से फूलों का माला तैयारी कर रहे हैं। काफी सोशल मीडिया पे सनसनी फैल चुकी है क्योंकि ऐसी एक सच्ची सबूत हाथ लगी है जो इस बार बेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कन्फर्म है इस बार बेल रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि विष्णु के नाम से अब काफी लोग धरना देने वाले हैं। वही नेहा किन्नर जो मालती चौहान के केस में इंसाफ के लिए आवाज उठाती थी, वही नेहा किन्नर जो थाने पे नंगा प्रदर्शन करी थी, वही नेहा किन्नर आज विष्णु राज के सपोर्ट में धरना देने वाली है और काफी सारे लोग को जुटा रहे हैं, अपना फोन नंबर दिए हैं। और क्या सबूत सच्ची बात पेश लगी है जो इस बार बेल होने से नहीं रोक सकते हैं, आइए हम आप लोग को बताते हैं। और कुछ लोग गलत भी कमेंट कर रहे हैं, उनका भी हम लोग जवाब देने के लिए मैं आ गई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी शमलक्षी ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ आप लोग को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, भूले भटके आए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, यानी मतलब वीडियो को बिल्कुल भगाइए नहीं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं आप लोगों से कौन सी बात ऐसी शेयर करने वाली हूं जो आप लोग को भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों इस बार विष्णु राज को बेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। विष्णु राज बहुत जल्दी जेल से बाहर आ रहे हैं उसी अंदाज में और विष्णु नाम के नाम से फिर से नारे गूंज रहे हैं, फिर से फूल माले की हो रही है तैयारी, बैंड पार्टी की हो रही है तैयारी, क्योंकि काफ़ी खुशियां का माहौल छिड़ चुकी है, सनसनी फैल चुकी है सोशल मीडिया पे। और इसका कारण है दोस्तों नेहा किन्नर, वही नेहा किन्नर जो मालती चौहान के इंसाफ के लिए थाने पे नंगा प्रदर्शन करी थी और इंसाफ के लिए बिहार से यूपी आती थी, बहुत मेहनत करती थी, मालती चौहान के घर पे भी रहती थी, वही नेहा किन्नर जो बोलती थी जो विष्णु कातिल है, मर्डर किया है, मालती चौहान को फांसी लगाया है। लेकिन ऐसा क्या 6 मार्च को नेहा किन्नर गई थी विष्णु राज से जेल में मिलने के लिए, और क्या विष्णु राज नेहा किन्नर को रो रो के ऐसी सच्चाई बताई है, क्या हाथ लगा है जो अब वही नेहा किन्नर बोल रही है जो विष्णु राज निर्दोष है, उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही है और उनको उनके बारे में बोल रही है जो हम धरना देने वाले हैं और काफ़ी लोगों को अपना मतलब हेल्प करने के लिए सबको बोल रही है आने के लिए, जो कौन कौन विष्णु राज के सपोर्ट में है, कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, आप लोग वीडियो बनाइए आगे निकल के आइए। तो दोस्तों सब ऐसे बोल रहे हैं जो ऐसी सबूत हाथ लगी है, तो हमें तो पता नहीं चल रहा है जो क्या सबूत हाथ लगी है। तो हम नेहा दीदी से ये बोलना चाहते हैं जो नेहा दीदी, अगर आपको सबूत हाथ लगी है तो आप लेट क्यों कर रहे हैं, विष्णु भैया को जेल में क्यों आप वेट करवा रहे हैं, जल्दी से आप कोर्ट में पेश कीजिए, जल्दी से विष्णु भैया को बाहर निकालिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो हे भगवान विष्णु राज को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह से लोग अपने आप को व्यूज लूटने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरा तो लग रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है जो आखिर ये सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है जो कौन साइड कब हो जाता है, कि किसके साइड कौन हो जाता है, कब किसके सपोर्ट में वीडियो बनाने लगते, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूं। और इतने भारी भारी लोग माइंड गेम खेल रहे हैं, इतने लोग ड्रामा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं जो नेहा दीदी को आप साथ क्यों दे रही हो, आप नेहा किन्नर को नहीं जानती हो, वही सिखाती होगी, जिसके पास गई है वही सिखाती होगी, क्योंकि ये सब सोच रही है वही जबरदस्ती जेल में भेजी है। तो आप लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं जी, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं जो कोई वीडियो बना के कोई विष्णु राज को इंसाफ नहीं दिला सकता, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन की काम है, वो अपनी विवेचना जांच पड़ताल चल रही है। और ये सब जो बोल रहे हैं जो हम इंसाफ दिलाएंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा राजनीति खेला जा रहा है जो अपने आप को सब व्यूज लूटने के लिए कभी इधर हो जाते, कभी इधर हो जाते, अब किसको क्या बोल सकते हैं।
ये YouTube का एक ऐसा फंदा है, YT का एक ऐसा फंदा है जो अपने लोग व्यूज कमाने के लिए कब मुंह से क्या निकल रहा है खुद नहीं पता चल रहा है किसी को। आप लोग जो इस तरह से कोई आदमी कमेंट कर रहे हैं तो विष्णु राज की भौजाई थी क्या, विष्णु राज निर्दोष है? हम कभी नहीं बोले हैं जो विष्णु राज निर्दोष है या विष्णु राज दोषी है, ये पुलिस प्रशासन की काम है। विष्णु राज को जो दोषी मान लेंगे तो हम उनको दोषी बोलेंगे, जो निर्दोष मान लेंगे हम निर्दोष मानेंगे, कहानी खत्म। आप भी कौन होते हैं बोलने वाले जो विष्णु राज निर्दोष है, आप भी कौन होते हैं बोलने वाले जो विष्णु राज ही मारा है? इसीलिए जो किसी को कुछ नहीं देखे हो तो मत बोलिए। और नेहा किन्नर भी बोल रही है जो अगर विष्णु राज दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगा, अगर निर्दोष होगा तो सजा नहीं मिलेगा, मैं उनको बाहर निकालूंगी। और पता नहीं अब रो रो के विष्णु भैया क्या बताए हैं नहीं बताए हैं। और फिर नेहा किन्नर ये भी बोल रही है जो विष्णु राज आज है कल नहीं है, मतलब यानी मतलब बीमार है, क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो मुझे लग रहा है जो उन लोगों के सपोर्ट में ही जो वीडियो बना रहे हैं ना, वही अपने वीडियो पे चैनल पे दो तीन वीडियो लगातार छोड़ रहे हैं, वही लोग सनसनी फैल रहे हैं, झूठ मूठ के बोल रहे हैं खुशखबरी खुशखबरी ये। अरे ब्रांड है यूट्यूब का, बड़ा ब्रांड है, मतलब जब आएंगे जिस दिन ना खुद हाहाकार मचेगी, खुद बैंड बाजा बजेगी। तो आप लोग क्यों कोई जज कलेक्टर वीडियो सीडियो बन रहे हो है? बताओ मालती को तो बेचारी को इंसाफ अभी तक मिली नहीं, देखते हैं अब इन सब को भी देखते हैं। और हम तो काफ़ी दूर हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम तो नहीं आ सकते हैं नेहा दीदी, नहीं तो मैं भी आती आपके साथ धरना में ज़रूर आती। और आप देखिए जब लेट मत करिए, पेश करिए जल्दी, और जो जैसा होता है जल्दी से जल्दी आप लोग खबर सुनाइए और मेहनत करते रहिए। भगवान करे आपको ऐसी शक्ति दे और सच के साथ आप लड़ते रहिए। आपके लिए मेरे कमेंट में भी मुझे गाली दिया जा रहा है, अगर आप मेरी वीडियो देखती होंगी तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। हम तो जैसे देखते हैं हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, सच बात बोलते हैं हम, जैसे जिसके वीडियो में देखते हैं उसी अंदाज में हम वीडियो लेके आते हैं, हमें किसी से नहीं दुश्मनी है, न किसी से हमें गिला शिकवा है। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं जो बिहार की ये भैंसिया है, ये है ये है ये है, तो तुम लोग गोबर खाते खाते दिमाग में भूसा भर गया है। तुम लोगों को जो बकना है बक, क्योंकि तुम लोगों का संस्कार ही ऐसा है। और तुच्छ लोगों से मैं, गिरे हुए लोगों से मैं मुंह नहीं लगाती हूँ। जितना भी कमेंट करना है भोंक भोंक के भोंक ले, गर्मी शांत हो जाएगी, उसके बाद इस कलेजा वाली को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिसके बारे में मुझे जो जैसा जिनके वीडियो में मैं देखूँगी उस वीडियो में मैं ऐसे ही बोलूँगी, सीधी सी बात, क्योंकि मैं किसी के टारगेट नहीं करती हूँ, मैं सच की आवाज़ उठाती हूँ, सच की आवाज़ उठाती रहूँगी। कितने भी तुम लोग मुझे टॉर्चर कर लो या कुछ भी कर लो, आज मुझे फिर धमकी मिली है, अब तेरी बारी है, अब तेरी रलाई चालू है। वही जो गोरखपुरिया भौजी को जो बार बार गाली देते हैं, जो स्ट्राइक मारा है, उसके लिए मैं दोस्तों मैं कल वीडियो में लेके आऊँगी वही फारू वाला अंदाज में, क्योंकि अब मेरे बेटी को हो गई है पेपर ख़त्म, आज लास्ट डेट था, और मैं वही अंदाज में आऊँगी पुराने वाले अंदाज में। तो दोस्तों मेरा वीडियो किसी को भी ठेस पहुँचाने का मकसद में भी वीडियो नहीं बनाई थी, जिनको भी बुरी लगी हो सॉरी माफ़ी चाहते हैं, क्षमा कर देना। और दोस्तों आप लोग कॉमेंट करके बताना दोस्तों जो मैं गलत बोली हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू।